अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जहाँ हैरिस होंगे। हाँ दोस्तों, तो ये मेरी डिश देख रहे हैं आप, 8 फिट की। तो आज मैंने इस 8 फिट की डिश पे सेट किया हुआ है हिला सेट 39 ईस्ट। तो आज मैं आपको हिला सेट 39 डिग्री इसकी लेटेस्ट आप दे देता हूँ। तो एक भाई ने रिक्वेस्ट की थी कि भाई इसकी मुकम्मल चैनल चेक कराएँ, तो मैं आपको इसकी पहले कुछ सेटिंग दिखाता हूँ, एल पोजिशन दिखाता हूँ, तो फिर टीवी तरफ जाके जो इसकी लेटेस्ट चैनल लिस्ट है और जो इसकी सबसे आसान डीपी है तो वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको डिश की कुछ सेटिंग दिखाता हूँ बैक कैमरे से। तो ये चेक कर ले डिश मेरी 8 फिट की, तो इसमें मैंने हिला सेट सेट की हुई है। तो सबसे पहले ये आप एलम पोजिशन चेक कर लें इसकी, तो ये बिल्कुल आप जैसे रखते हैं ना यहाँ सेट की, तो सेम टू सेम वही पोजिशन है। ये चेक कर लें आप अंदर से भी और बाहर से भी चेक कर लें आप। तो ये जा रही है इसकी वायर टीवी की तरफ, तो फिर चलते हैं टीवी स्क्रीन पे और जाके आपको इसकी कुछ सेटिंग दिखाते हैं, लेटेस्ट चैनल लिस्ट आप दे देते हैं आपको। तो मैंने लगाने का तरीका ये है कि आपने लगाना 40 डिग्री ईस्ट, जहाँ पे अफगान टीवी चलता है। जो आपने 40 डिग्री लगा के ना केजू बैंड, तो थोड़ा सा आपने इसको इस तरफ करना है, तो आपका ये सेट हो जाएगा। तो ठीक है, अभी टीवी की तरफ चलते हैं और आज आपको इसकी लेटेस्ट चैनल चेक कराते हैं। हाँ जी दोस्तों, टीवी के पास आ गए हैं। तो ये हिला सेट 39 ईस्ट की सबसे आसान टीपी देख रहे हैं आप। तो ये टीपी है 12647 वर्टिकल 30,000। तो ये ऐसी टीपी आज की जो सबसे आसान टीपी है, स्ट्रॉन्ग टीपी। तो अभी लगाते हैं इस सट्रायर को ब्लेंड स्केन और आज चेक करते हैं कि मेरे पास 8 फिट की डिश पे कितने चैनल आते हैं। तो मैंने लगा दिया ब्लेंड स्कैन, तो फिर आज चेक करते हैं कि कितने चैनल आते हैं। तो इस सैटेलाइट के डिश साइज की बात करें तो पाकिस्तान में मेरे ख्याल में 9 से 10 फिट की डिश आपके पास होनी चाहिए, तो आप इसको सेट कर सकते हैं। तो ये चेक कर लें, स्क्रीनिंग मेरी जारी है, जैसे ही टीपी रिसीव होती है तो फिर आपके साथ चैनल शो हो जाएंगे, तो फिर इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करते हैं। तो वीडियो को मैं थोड़ी देर के लिए स्किप करता हूँ। हाँ जी दोस्तों, तो ये चेक कर लें, स्क्रीन मेरी मुकम्मल होने वाली है। तो आज मेरे पास टीपी आई हैं 6 टीपी मेरे पास रिसीव हुई हैं हिला सेट की, तो स्क्रीन में मुकम्मल होने वाली है। तो फिर चेक करते हैं कि कितने चैनल आते हैं इन 6 टीपी के। तो इस सैटेलाइट में काफी सारे चैनल हैं जो फॉरएवर सर्वे पे चलते हैं, जिनमें से हिस्ट्री चैनल हो गया, डिस्कवरी चैनल हो गया, तो काफी सारे चैनल हैं इसमें जो चल रहे हैं। कुछ इसमें फ्री भी चैनल हैं और कुछ फॉरएवर पे भी हैं, तो काफी अच्छी सैटेलाइट है, आप इसे चला सकते हैं तकरीबन शाम के 7-8 बजे आप ट्राई करें तो आपके पास ये चल जाएगी। अगर आपके पास 9-10 की डिश है ना, तो आप इसको सुबह के वक्त भी सेट कर सकते हो, क्योंकि मेरे एक सब्सक्राइबर ने कहा था कि आप वीडियो बनाएं तकरीबन 1-2 बजे, तो मैं 1 बजे वीडियो बना रहा हूँ, चेक कर लें आपके सामने। तो मेरे पास 8 फिट डिश है, तो वो शाम को ही चैनल ट्यून करती है, उसके कुछ चैनल चलते हैं, तो वो मैं आपको साथ शेयर करने वाला हूँ। तो ये चेक कर लें, 6 टीपी 7 टीपी मेरे पास हो गई हैं, तो स्कैनिंग भी बस थोड़ी सी रह गई है, मुकम्मल होने वाली है। तो फिर चेक करते हैं फिर आज। हाँ जी दोस्तों, तो आज मेरे पास टीपी रिसीव हुई हैं 11 टीपी रिसीव हुई हैं, तो स्कैनिंग मुकम्मल हो गई है। तो स्कैनिंग आज बहुत स्लो हो रही है, चेक कर ले 10 मिनट हो गए हैं स्कैनिंग को। तो इस सैटेलाइट की स्कैनिंग भी बहुत स्लो है, तो ये चेक कर ले 11 टीपी आई हैं, तो अभी उन 11 टीपी के जो चैनल हैं तो वो ट्यून होंगे। तो आपके सामने स्कैन चेक करें, साथ साथ हम भी चेक करते हैं आपके सामने। तो ये चेक कर लें, स्कैनिंग जारी है, तो चैनल भी आपके सामने आएंगे हिला सट के 39 ईस्ट के। तो चेक करते हैं फिर,
हाँ जी दोस्तों, तो ये चेक कर ले, मेरे पास चलना शुरू हो गए हैं, तो 58 चाहे मेरे पर सीव हो गया 58, तो मशीन चेक करते हैं फिर। तो चेक कर ले इसमें निक लोडियन और ये डिज्नी जूनियर और ये कार्टून नेटवर्क, तो ये सारे स्क्रैम्बल चैनल है इसमें, तो ये भी आपको चेक कराएंगे कि यहाँ पे चलते हैं या नहीं चलते। तो अभी स्कैनिंग जारी है, जैसे स्कैन मुकम्मल होती है तो फिर आपके साथ शेयर करते हैं। तो स्कैनिंग भी बहुत इसकी स्लो हो रही है, चेक कर रहे हैं। तो अभी मेरे पास चैनल रिसीव हो गए हैं 90 चैनल, तो ये बॉलीवुड टीवी और ये नेशनल 24 प्लस और ये कोल टीवी हो गया और ये फ्रांस 24 हो गया, तो ये सभी चैनल इसमें आ गए हैं। तो चेक करते हैं फिर। चेक कर लें 140 चैनल आ गए हैं, तो 160 और अभी भी स्कैनिंग जारी है। हाँ जी दोस्तों, तो 210 चैनल में परसीव हो गए हैं, तो अभी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ चैनल लिस्ट। तो अभी हम करते हैं सैटेलाइट को सिलेक्ट, तो फिर आपके साथ शेयर करते हैं। तो मेरी सैटेलाइट कहाँ पे चली गई? हाँ जी, तो ये मेरी सैटेलाइट 39 ईस्ट, तो ये आप चेक कर लें। आज मेरे पास चैनल आए हैं 210, तो ये जो कलर तब्दील कर रहे हैं तो ये सारे चैनल मेरे पास चल रहे हैं, ये चेक कर लें। ये टीवी यूरोप हो गया और ये सभी चैनल, ये थोड़े से ना सिग्नल्स के वीक हैं, आप इस को सेट करेंगे ना तकरीबन, ये हिस्ट्री चैनल हो गया और ये नेट जियो वाइल्ड और ये एनिमल प्लानट, ये चेक कर लें। तो आप इसको सेट करेंगे ना तकरीबन 8-9 बजे के करीब, तो ये बिल्कुल अच्छे तरीके से चल जाएंगे। और ये AXN ब्लैक हो गया और ये स्पोर्ट्स प्लस हो गया और ये एक्शन प्लस हो गया, तो ये चैनल बिल्कुल यहाँ पे ओके चल रहे हैं। और ये फॉक्स हो गया और ये इसमें कुछ फ्री चैनल है, ये चेक कर लें आप। तो बस एक टीवी मेरे पास यहाँ पे एक मसला कर रही थी, तो बाकी पहले तो ये बिल्कुल ठीक चल रही थी, अभी मसला कर रही है। तो आगे ये हो गया डिज्नी चैनल हो गया और ये हो गया कार्टून नेटवर्क और ये हो गया निक जूनियर और ये निक लोडियन हो गया और ये हो गया डिज्नी जूनियर और ये हो गया PNOTV और ये हो गया CTTV, तो ये सभी चैनल इसमें चल रहे हैं। और ये डिस्कवरी चैनल हो गया, तो ये भी यहाँ पे बिल्कुल ओके चल रहा है। और ये हो गया, तो यहाँ पे ये कुछ फ्री चैनल भी हैं, ये आप चेक कर लें जो यहाँ पे बिल्कुल ओके चल रहे हैं। और ये जो क्या चैनल क्लब नहीं तब्दील कर रहे, तो इनको भी हम तकरीबन 3-4 सेकंड छोड़ेंगे तो ये भी मेरे पास चल जाएंगे। तो आपके सामने आए, चेक करते हैं फिर, ये भी हमारे पास शायद चल जाएंगे, तो फिर चेक करते हैं। ये मैंने बॉलीवुड टीवी को किया ओपन, तो चेक करते हैं फिर मेरे पास ओपन होता है या नहीं होता। तो आगे चेक करते हैं, तो ये मेरे पास चल रहा है यूरोस्पोर्ट 2 और ये हो गया नोवा स्पोर्ट्स और ये डाइमा स्पोर्ट 2 और ये मैक्स स्पोर्ट्स 1 और ये TLC, तो ये चैनल सभी इसमें वर्क कर रहे हैं, क्या कर लें। ये BTV सिनेमा और ये BTV कॉमेडी और ये डाइमा फैमिली और ये हो गया फॉक्स लाइफ और ये फॉक्स क्राइम हो गया और AXN,
तो यहाँ पे ये भी बिल्कुल अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। और ये CNN हो गया और ये हो गया आगे, तो ये जब चैनल कलर दी नहीं तो तब्दील कर रहे, तो आप इनको तकरीबन 5-6 सेकंड को आप ठहरेंगे तो ये चल जाएंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, इसलिए मैं जल्दी से आपको चेक करा रहा हूँ। चेक कर रहे हैं, निक टून हो गया और ये मूवी स्टार, तो ये मैक्स स्पोर्ट 3 हो गया और ये BNT4 हो गया और ये डिस्कवरी साइंस और ये ट्रैवल चैनल, तो ये बिल्कुल अच्छे चैनल है यहाँ पे, तो चेक कर रहे हैं आप, काफी अच्छी सेटेलाइट है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक और शेयर लाजमी करें। जिन भाइयों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर दें, ताकि हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।